Well, student, today I am going to discuss with you lanthanides and actinides. They are also named as F block elements. So sometimes we also call them as a inner transition metals. Transition metals. ठीक है बेटा, एफ ब्लॉक इसलिए कहते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू एफ सब शेल। लैंथेनाइड इसलिए कहते हैं दे कम आफ्टर द लैंथेनम। एक्टिनाइड इसलिए कहते हैं दे कम आफ्टर एक्टिनियम। इनर ट्रांजिशन क्यों कहते हैं? बिकॉज दे शो ट्रांजिशन विद इन द ट्रांजिशन एलिमेंट। दे शो द ट्रांजिशन विद इन द ट्रांजिशन एलिमेंट, why they are called as inner transition. So I told you lanthanides and actinides are jointly called as F block elements. Right? क्यों कहते हैं? Because last electron enters into F orbital कह सकते हो या F sub shell कह सकते हो। ठीक है बेटा, F orbital कह सकते हो या F sub shell, इसकी वजह से हम इनको F block element कहते हैं। राइट बेटा, नाउ देखो बेटा, ये न्यूक्लियस होता है। ये सपोज आपके पास ये डिफरेंट शेल्स हैं। जो बाहर वाला शेल होता है ना, उसको कहते हैं आउटर शेल। ठीक है, जो उसके अंदर वाला होता है ना, उसको बोलते हैं पेन अल्टीमेट शेल। ये 11th में बताया था बेटा, पेन अल्टीमेट शेल। ठीक है, जो उसके अंदर होता है दैट इज कॉल्ड एज एंटी पेन अल्टीमेट शेल। Penultimate shell. समझा गया बेटा? एंटी पेनल्टीमेट शेल यानी सबसे बाहर वाला हो गया आउटर शेल, उसके अंदर हो गया पेनल्टीमेट शेल, उसके अंदर वाला जो थर्ड फ्रॉम द आउटर इज कॉल्ड एज एंटी पेनल्टी शेल। अंदर का कोई लेना देना नहीं, बाहर से दे। ठीक है, ये जो हमारे डी एंड एफ ब्लॉक है, डी ब्लॉक एफ ब्लॉक जो है वो इसमें है। ये सबसे पहले 4s है, फिर ये आप एस है, फिर डी है, मैं बताता हूँ 4, 5 क्या है, फिर डी है, फिर एफ है। यानी जो इसके केस में इलेक्ट्रॉन जो बाहर से थर्ड अंदर वाला उसमें आते हैं, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर साइड इलेक्ट्रॉन जो है उसमें फिलिंग होती है, उसमें होती है। ठीक है, तो इनकी जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम N-2 F 1 to 14। ठीक है, N-1 D 0 to 1, देन N S 2। बेटा ये दोनों की कॉन्फ़िगरेशन है, लैंथेनाइड की भी जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। देखो ये बाहर वाला है, अगर ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। लैंथेनाइड के केस में ये है 4F है, 4F 1 टू 14। ये 4 है तो ये 5 हो जाएगा, 5D 0 टू 1, 6S 2 बेटा। ठीक है, दिस इज फॉर लैंथेनाइड, क्योंकि लैंथेनाइड में 4F होता है।
एक्टिनाइड में ये फाइव एफ हो, फाइव एफ होता है, ये हो गया सिक्स फाइव फोर, मेरी बात समझिए, ये बाहर वाला है सिक्स, ये उसके अंदर वाला पांच, उसके अंदर वाला चार। एक्टिनाइड में ये फोर एफ के बजाय फाइव एफ होता है, 1 to 14, और ये 5D के बजाय 6D होता है, 0 to 1, और ये 6S के बजाय 7S होता है। समझा गई? दिस इज इन केस ऑफ लेंथेनाइड्स, लेंथेनाइड्स, एंड दिस इज इन केस ऑफ एक्टिनाइड्स। यानी लेंथेनाइड्स को हम 4F ब्लॉक एलिमेंट कह सकते हैं, 4F, और इसको हम 5F कह सकते हैं। समझा गया? आई थिंक। अब देखो बेटा, ये मैं ये कॉन्फ़िगरेशन आपको लिख के बताऊंगा, ये जो लेंथेनाइड्स हैं, लेंथेनाइड्स की कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा। हैं, ये जनरल हो गया, तो ज़्यादा नहीं लर्न करना, इतना ही करना है, ठीक है? तो इसका ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो ट्रांजिशन से आता है, इनर ट्रांजिशन से नहीं आता, लेकिन फिर भी जो इसमें इंपॉर्टेंट होगा बताऊंगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंथेनाइड की कई बार आ चुकी है बेटे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनाइड्स, लेंथेनाइड्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? ये पहला जो है, दिस इज लेंथेनम, एल ए है, इसका एटॉमिक नंबर 57 है, 57, ठीक है? तो ये इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आती है, दैट इज जीनॉन, जीनॉन की पहले पूरी है, फिर 4F 0, 5D 1, 6S 2, राइट? ये लेंथनम। जब एक इलेक्ट्रॉन आता है तो एफ जीरो स्टेबल होता है ना बेटा, एक इलेक्ट्रॉन डी में चला गया, एफ में नहीं गया, ठीक है? लेकिन हम इसको इसलिए कह रहे हैं कि ये डी में भी जा, एफ में जा सकता है, इसलिए ये फर्स्ट माना जाता है, लेंथेनम। देन सीरियम, सीरियम का 58 है, इट कम्स आउट टू बी जीनॉन, ठीक है? देन 4F2 बेटा है, एंड 5D0 एंड 6S2। बेटा क्या पता है क्या है? देखो, जब एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन नहीं जाते डी में, एक जाता है, लिखा ना 0 to 1 है, 0 to 1, ये 1 है जब इधर नहीं था, अब 0 आ गया, तो ये एक इलेक्ट्रॉन डी का भी इधर आ गया और एक एटॉमिक नंबर बढ़ गया, तो इसकी वजह से ये 2 हो गया, ठीक है? प्रोसीडियम है, प्रोसीडियम जो है PR, इसका है जो है जीनॉन, देन ये 4F है हर एक जगह, 4F3, 5D0, 6S2, ठीक है? उसके बाद है नियोडियम, ND, नियोडियम है, इसका है जीनॉन, देन यू गॉट 4F4, 5D0 एंड 6S2, ठीक है? नियोडियम, देन प्रोमिथियम, PM, 61 इसका है जीनॉन, 4F5, 5D0, 6S2, प्रोमिथियम। प्रोमिथियम के बाद है समेरियम, ठीक है? समेरियम में ये है जीनान, 4F6, 5D0, 6S2। समेरियम के बाद है एजरोपियम, EU सिंबल है इसका, एजरोपियम। देन इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, 4F7, 5D0, 6S2, ठीक है बेटा? ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लगातार बढ़ गया, ठीक है? एजरोपियम के बाद जो आपका एलिमेंट आता है, दैट इज गैडोलोनियम, GD, ठीक है? इसका जीनॉन, अब देखना ये थोड़ी सी चेंज है, ये 4F7, आपको मालूम है एफ में 7 ऑर्बिटल होते हैं, पता है? आई थिंक यू नो इट।
ये एफ के कितने होते हैं? जैसे डी में 5 होते हैं, इसमें 7 होते हैं, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन जब मिल जाए, 7 जब हो जाए, ये हाफ फिल्ड हो जाता है। जब 0 हो जाए तो तभी भी बेकन दिस 0 भी एफ 0 स्टेबल होता है, एफ 7 स्टेबल होता है और एफ 14 स्टेबल होता है। आपको पता है क्यों? क्योंकि ये वेकेंट है, ठीक है? ये वेकेंट है 0। 7 क्या है? हाफ फिल्ड। 14 क्या है? फुल फिल्ड। ये 7 जब हो गया, फुल फिल्ड हो गया, जब गैडोलियम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो 4F7 ही रहता है, वो इलेक्ट्रॉन डी में चला जाता है, D1 6S2। आप मेरी बात समझ गए होंगे। देखो बेटा, जो एक इलेक्ट्रॉन आया ना, वो एस एफ में नहीं आया, क्योंकि अगर वो एफ में आता तो DF8 हो जाना था। F8 जो है वो पार्शली फिल्ड हो जाना था। तो स्टेबल कौन से होते हैं? 0, हाफ फिल्ड एंड 14। तो 8 जो है वो पार्शली फिल्ड हो जाना था, वो स्टेबल नहीं है, तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। क्योंकि इधर आता तो एलिमेंट के पास एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए थी, इनस्टेबिलिटी हो जानी थी, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन। गैडोलिनियम के बाद टर्बियम, टीबी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है, दिस इज ज़ीनॉन, देन 4F9 बेटा, 5D0, 6S2, यानी डी का एक ही ऑर्बिटल है जिसकी एनर्जी एफ के साथ ज्यादा कंपेयरेबल है, तो एक इलेक्ट्रॉन ही जा सकता है उधर। तो एक जब एक इधर दो जानेंगे, एक जब इसमें आ गया तो वो भी इधर आ जाएगा, क्योंकि 8 से भी स्टेबल है, 8 से भी अनस्टेबल है, 9 से 8 से भी पार्शियली फिल्ड है, 9 से भी पार्शियली फिल्ड है। तो डी जो है 0 स्टेबल होता है, देन द D1, तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो गया, तो टर्बियम की जे हो जाती है। देन डाइस्प्रोसियम, DY, ठीक है? इसका जो है, दिस बिकम ज़ीनॉन, देन 4F10 बेटा, देन 5D0, देन 6S2, ठीक है? डाइस्प्रोसियम के बाद है हॉलियम, HO, है? जिसका ये ज़ीनॉन, ठीक है, ज़ीनॉन, देन ज़ीनॉन डाइस्प्रोस हॉलमियम का है 4F11, 5D0, 6S2। अब देखो दूसरे के लोगों, ये हॉलियम तक आ गया, दिख रहा था ना, हॉलमियम। हॉलमियम के बाद आता है एर्बियम, है? एर्बियम का जो सिंबल है ER, इट कम्स आउट टू बी ज़ीनॉन, 4F, वेरी सिंपल बेटा, 11 का 12 हो गया, 5D0 हो गया एंड 6S2 हो गया। एर्बियम के बाद है थूलियम, सिंबल है TM, थूलियम, ज़ीनॉन, देन 4F13, देन 5D0, देन 6S2, थूलियम। थूलियम के बाद है जिट्रवियम, YV सिंबल है बेटा इसका। ये क्या आता है? ज़ीनॉन, 4F14, 5D0 एंड 6S2, ठीक है बेटा। लास्ट में है ल्यूटियम, LU सिंबल है इसका, ल्यूटियम, LUTETIUM, ल्यूटीटियम, ज़ीनॉन, ठीक है, 4F14। अब इसमें और तो इलेक्ट्रॉन आ नहीं सकता, क्योंकि मैथ्स में 14 होता है, तो 5D में एक इलेक्ट्रॉन चला गया, 5D1 6S2, दिस बिकम द कॉन्फिडेंट, ठीक है? तो फिर हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं, ज़ीनॉन, देन 4F, है 4F, है 0 to 14, 0 भी है ना, 14, देन 5D, डी में 0 भी है और 1 भी है, और 5S6S2, जे बेटा हो गया हो ना, 4, 5, 6, ठीक है? दिस बिकम द जनरल कॉन्फिगरेशन। आई थिंक आपको बात समझ आएगी। और एक्टिनाइड की मैं लिखवाऊंगा नहीं, एक्टिनाइड की कॉन्फिगरेशन भी सेम है, सिर्फ 4 के बजाय क्या आ जाएगा, 5, 5 के बजाय क्या आ जाएगा, 6,
और ये सिक्स के बजाय क्या आ जाएगा, सेवन। समझा गया बेटा? तो दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जीनान की कॉन्फ़िगरेशन तो आपको आती है ना, है? अगर आप कंप्लीट किसी की लिखना चाहते हो तो जीनान की कॉन्फ़िगरेशन आपको मालूम है ना, क्या एटॉमिक नंबर 54। तो क्या कॉन्फ़िगरेशन आती है, 1s2, 2s2 एंड 2p6, 3s2 देन 3p6। अरेंज करके लिखे तो 3d10, 3d10 देन 4s2, 4p6 एंड 4d10, 4d10 देन 5s2 एंड 5p6। ये 5p6 ये जीनान की कॉन्फ़िगरेशन आपको आती है बेटा, कॉन्फ़िगरेशन है। नहीं आती तो बेटा पूछ लो अलग से, ये तो करनी पड़ेगी, ये तो सीखने पड़ेंगे, हैं। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज बेटा, प्रॉपर्टीज, हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथनाइड्स, लेंथनाइड्स की प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथनाइड, हैं, ये जो हैं हाईली डेंस मेटल हैं बेटा, ये हाईली डेंस मेटल्स, ठीक है, हाईली डेंस मेटल, हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट, सिल्वरी वाइट होते हैं ये, सिल्वरी वाइट, मेटालिक फॉर्म में दे आर सिल्वरी वाइट। समझा गया बेटा, ये हो गया। नेक्स्ट दे फॉर्म अलॉयज बेटा, हाँ, दे फॉर्म अलॉयज, फॉर्म अलॉयज विद आयरन के साथ बनाते हैं, हाँ, दे अलॉयज, ये एक है, इसको बोलते हैं मिश मेटल, MISCH, मिश मेटल, मिश मेटल। इसमें लेंथनाइड कोई भी डाल दो, कोई भी लेंथनाइड डाल दो, लेंथनाइड उसमें जो है वो 94 से लेकर 95% है, 4 से लेकर 95% कोई भी लेंथनाइड, ठीक है, और आयरन उसमें तकरीबन 5% और कोई और दो, कोई अप टू 5, कोई 4.9 में हो सकता है, कोई दूसरे आए सल्फर कार्बन, हैं, तो ये कैल्शियम, हैं, कैल्शियम एंड अल्मीनियम ये भी हम डालते हैं मिश मेटल में, ये भी होते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एक मिश मेटल बोलते हैं इसको। दिस इज एन अलॉय ऑफ लेंथनाइड विद आयरन। ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये 3 नंबर का आता है बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ लेंथनाइड्स। देखो बेटा, इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉमन सबका जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स इज +3। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, देखना ध्यान से देखना, क्यों, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से लूज हो जाते हैं और एक इधर से, कितना हो गया 3। समझा गया? आप कहेंगे सर इधर तो नहीं है, आपको बताया था एक इलेक्ट्रॉन इसका आसानी से इधर जा सकता है और हर एक केस में 2 इलेक्ट्रॉन इससे और एक इलेक्ट्रॉन डी में है तो नहीं तो एफ का भी एक निकल जाता है। सो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3। दे शो +2 एंड +4 आल्सो, सम, सारे नहीं, सम शोज +2 एंड +4 आल्सो, ये मैं बताऊंगा कब, कब, व्हेन एफ 0 है, एफ 7 है एंड एफ 14 है। एलिमेंट चाहता है कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन जहां 0 हो या 7 हो या 14 हो। 0 क्यों, क्योंकि ये वेकेंट हो गया, 7 क्यों, क्योंकि ये हाफ फिल्ड हो गया, बताया ना बेटे आगे, हाफ फिल्ड स्टेबल होते हैं, वेकेंट भी स्टेबल होते हैं, जहां फुल फिल्ड होते हैं वो भी स्टेबल होते हैं, ये आप यू नो दिस, बताया था ना, D0, D5, D10, इसी तरह से F0। अब देखो ये जो आपका लेंथेनम है,
ये प्लस थ्री ही दिखाता है, इसका प्लस थ्री, क्योंकि बाद में ये एफ क्या रह गया, जीरो। एलिमेंट क्या चाहता है, उसकी कॉन्फिगरेशन जीरो। लेंथेनम आपको प्लस टू कभी नहीं दिखाएगा, हमेशा प्लस थ्री दिखाएगा। सीरियम, सीरियम जो है टू भी दिखाता है और फोर भी दिखाता है, टू फोर, थ्री टू, थ्री फोर, थ्री फोर। थ्री क्यों, क्योंकि थ्री कॉमन है, दो इधर से एक इधर से। और फोर क्यों, क्योंकि एफ से अगर दो इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो एफ क्या हो जाता है, जीरो। तो इसलिए सीरियम शोज टू ऑक्सीडेशन स्टेट, थ्री एंड फोर, एंड फोर इज मोर स्टेबल। वाई, क्योंकि जब एफ, जब सीरियम फोर दिखाएगा, फोर कैसे दिखाएगा, दो इधर से दो इधर से, एफ क्या हो गया, जीरो। एफ वन स्टेबल नहीं है, हैं? एफ वन वो एक बताया ना, तीन तो है ही ना, दो इधर से एक इधर से, लेकिन जब दो इधर से तो ये क्या हो जाएगा, फोर। तो फोर इज मोर स्टेबल सीरियम। प्रोसीडियम जो है ये दो और तीन कॉमन, कॉमन इसका ऑक्सीडेशन जो है, क्योंकि फाइव ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कम दिखाते हैं, हैं? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बहुत इफेक्टिव है, इसलिए इसका थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन है। ठीक है, प्रोसीडियम का कॉमन क्या है, थ्री। नियोडियम का कॉमन क्या है, थ्री प्लस थ्री। प्रोमीथियम का, प्रोमीथियम का क्या है, प्लस, वो भी थ्री। समीरियम का प्लस थ्री। समीरियम के बाद क्या है, एजरोपियम। जो एजरोपियम है दैट विल प्रेफर टू प्लस टू देन द प्लस थ्री। रीजन ये है एजरोपियम, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, फोर एफ सेवन, फाइव डी जीरो, सिक्स एस टू। ये दो जे इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ये एफ स्टेबल है, हाफ फिल्ड है, इसलिए ये दो भी दिखाएगा, तीन भी दिखाएगा, लेकिन टू इज मोर स्टेबल। देन गैडोलोनियम, गैडोलियम जो है वो प्लस थ्री दिखाएगा, क्योंकि थ्री में ये दो इधर से एक इधर से, तो ये स्टेबल है। फिर टर्बियम जो है वो तीन दिखाएगा, दो इधर से एक इधर से। डाइस्प्रोसियम तीन दिखाएगा, दो दिखाएगा, डाइस सॉरी दो तीन दिखाएगा, दो इधर से एक इधर से। हालियम जो है वो दो ही दिखाएगा, नहीं वो भी दो और तीन दिखाएगा। जो आपका एरिडियम है ये भी तीन दिखाएगा। टेल्यूमियम जो थ्री दिखाएगा। जेट्रीमियम जो है वो दो दिखाएगा, दो क्यों, क्योंकि फोर एफ फोर्टीन इज स्टेबल, ये स्टेबल है बेटा, फुल फिल्ड है। तो जिट्रियम जो है